ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की, हर सरकार की। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। साथियों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है। कोविड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुफ्त टीकाकरण अभियान तक ये ताकत आज हर तरफ दिख रही है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। साथियों, अंधेरा जितना घना होता है, प्रकाश का महत्व उतना ही ज्यादा होता है। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं।